नमस्कार, मैं हूँ तारावती सैनी। हाँ, मैं आगे अपनी कविताओं और अपनी आने वाली बुक कहानी संग्रह के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। और जैसा कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब नवरात्रा चल रहे हैं, हम लोग माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल चारों तरफ छोटी छोटी कन्याओं महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उससे इतना मन हृदय दुखी होता है कि वो हम लोग निःशब्द हो जाते हैं उन हृदय बेतारक घटनाओं को सुनकर। वो जब हम माता रानी की इतनी पूजा कर रहे हैं, तो जो असल में जो हमारे पास, हमारे घर में, हमारे और पास, हमारे समाज में जो कन्याएं हैं, जो माता हैं, के साथ जो हो रहा है वो क्या है? वो माता रानी की पूजा तो हम एक उनको एक जो हमारे घर में जो असल जिनका साक्षात जो रूप है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम जैसे माता रानी की पूजा कर रहे हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं, वैसे ही हमें स्त्री की और जो छोटी छोटी कन्याओं के साथ जो आज हृदय विदारक जो घटनाएं हो रही हैं, वो उन पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे समाज में ये क्या चल रहा है, हम रोज क्या न्यूज़ पे क्या सुनने को, हमें क्या सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या करें कि कुछ लोगों पे अपना कोई ये तो है नहीं कि हम अब हम बता ही सकते हैं कि हमें समाज को कैसे बदलना है। मैं मूल रूप से भरतपुर से हूँ, भरतपुर के भुसावर से, और मेरी शादी दौसा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। लेकिन मुझे लिखने का बचपन से शौक था, तो और मैंने हमारे घर में मेरे पापा प्रिंसिपल हैं, तो मैंने मेरे घर में पत्रिकाएं और दैनिक भास्कर पत्रिका ये सब चीज़ों को शुरू से ही देखा था। तो जब उनमें छोटी छोटी कविताएं आती थी और कहानियां आती थी, तो मैं उनको पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। और मैं ऐसे ही मतलब मैं उनके जैसा लिखने की कोशिश करती थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि लेखन क्या चीज़ है, शब्द कैसे जोड़े जाते हैं, क्या होता है लेखन, मैं नहीं समझती थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो चीज़ मैं जोड़ने लगी कहानियों को, कविताओं को, और आगे बढ़ने लगी। बीच में फिर छूट जाती हैं चीज़ें उम्र के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं। तो वो बीच में मेरी जब लेखन जब मेरा छूट गया, और फिर मैंने जब मेरे शादी हुई, उसके बाद मेरे पतिदेव जो हैं चंदूलाल सैनी जी, उनका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहता है। मेरा मतलब हर चीज़ वो सुनते हैं, मानते हैं, कि वो समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो उनका बहुत ही सपोर्ट मेरे लिए रहता है, और जो मैं कुछ कर पाई हूँ आज तक, वो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है। क्योंकि अगर घरों में देखो, औरतों के ऊपर कितने ही मतलब कितने मारा पीटी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और औरतों की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता कि बेचारी औरत क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है। बस अब वो बस वो जैसे हम ढोर को हांकते हैं ना, कि भाई चलो हमारे हिसाब से उस खूंटे से बन जाओ, इस खूंटे से बन जाओ, उस तालाब में पानी पी लो, बस वो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही औरत जो है हमारे कहने से यहाँ बैठ जाए, यहाँ उठ जाए, ये पहन ले, ये मत पहने, या हंस, यहाँ रो, ये हमारे कहने से करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या स्त्री का कोई हृदय नहीं होता? क्या वो पत्थर की थोड़ी बनी होती है? नहीं बनी होती, वो भी हमारी तरह हाड़ मांस की, पुरुषों की तरह हाड़ मांस के लोथड़े की बनी हुई होती है। तो सबसे यही है कि औरतों के हृदय की बात समझें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पतिदेव 100 काम छोड़ के पहले वो मेरा मन जानना चाहते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर मैंने उनके सामने एक पॉइंट रख दिया, तो वो उस पर विचार करते हैं, और वो भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। वो सोचते वो चीज़ों को ऑफिस का काम भी छोड़ देते हैं। तो मैं जब और स्त्रियों को देखती हूँ, तो मैं खुद को बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे लिए मेरे पति ऐसे हैं। और वो सच में एक उनके अंदर मेरे लिए एक दीवानापन है, एक पागलपन है। तो वो कभी कभी मुझे जब देखती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आगे, बहुत सारे जीवन में समस्याएं भी आई हैं। और शुरू में मैंने उनको कभी बताया नहीं था कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, ऐसा मैंने उनको कभी नहीं बताया। लेकिन जब मैं लिख लिख के छुपा के अलमारी में रख दिया करती थी, अलमारी में रख दिया करती थी, तो एक दिन उन्होंने देख लिया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अरे आप तो लिखना भी लिखती हो। तो फिर उन्होंने मेरा आगे ये उनको प्रकाशित करवाना शुरू किया। और सच में ही आज स्त्रियों की
वैसे दशा सुलझ रही है, समझ रहे हैं लोग, लेकिन एक अभी गांव में स्थिति उतनी नहीं है, क्योंकि मैं गांव में हूँ इस वक्त, मैं जयपुर में नहीं हूँ और मैं देखती हूँ चीज़ों को चारों तरफ, तो मुझे थोड़ा लगता है जी। उमा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद की तो बात ही अलग है। मैडम आपने तो मेरा जीवन बदल दिया है, आपकी वजह से मेरा नूरी संग्रह कहानी संग्रह आया है, क्योंकि आपने इतना, मैंने आपको इतना सताया है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि मेरा एक कहानी संग्रह आया है। जी शिल्पी जी बिल्कुल, अब स्थिति बदल रही है औरतों की, अब औरतें बराबरी भी कर रही हैं, पुरुषों की बराबरी कर रही हैं बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे, अभी आप देखिए, आप PLF में देखिए, वो मुझे अलग से लेके पहुँचे थे उन्होंने, ऑफिस सब चीज़ें वो छोड़ देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक स्त्री के कोने की मन की बात सब लोग सुने देखें कि हम लोग क्या चाहते हैं। ये है तो मैं अपने एक शिल्पी जी की इसी पे ही एक कविता पेश करती हूँ कि आजकल लोग स्त्रियां आज कितनी बराबर में होके चल रही हैं, और हमें सच में ही उनका जैसे माँ दुर्गा का मान सम्मान कर रहे हैं, वैसे ही हमें उन स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। माँ दुर्गा का सम्मान करने से कुछ नहीं होगा, जब हमारे जीवन में हमारे समक्ष जब साक्षात जो देवियां हैं, हमें उनका सम्मान करना होगा, उन स्त्रियों का सम्मान करना होगा। तो आगे मैं अपनी एक कविता आपके सामने पेश कर रही हूँ, और तो मैं अपनी एक पहली कविता आपके सामने रखूंगी और आगे बढ़ती हूँ। अब नवरात्राएं चल रहे हैं, तो पहले नारी के ऊपर ही मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। नारी तू चमकता जुगनू है, नारी तू चमकता जुगनू है, नारी तुझसे बना ये संसार है, नारी तुझसे बना ये संसार है, नारी तुझसे रचा ये संसार है, नारी तुझसे बना ये संसार है, नारी तुझसे रचा ये संसार है, नारी तू ब्रह्मांड है, नारी तू ईश्वर का आशीर्वाद है, नारी तू ब्रह्मांड है, नारी तू ईश्वर का आशीर्वाद है, नारी तू प्रेम है, नारी तू त्याग है, नारी तू श्रेष्ठ है, नारी तेरी लीला अपरंपार है। देखो जैसे माता रानी की लीला अपरंपार है ना, वैसे ही स्त्री की लीला अपरंपार है। वो किस तरीके से, जैसे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, जितनी भी माँ सरस्वती, जिन्होंने पूरे संसार को अपनी शक्ति से विभूषित सुसज्जित किया हुआ है, वो अपनी शक्ति से सारी सबका कल्याण करने वाली हैं, वैसे ही स्त्री अपने परिवार का कल्याण करने वाली है। वो सच में देवी के जैसा उसका मान सम्मान सच में ही होना चाहिए, और उसकी सच में लीला परंपार होती है। वो कब सब्जी बना देती है, कब रोटी, कब झाड़ू पोछा सारा काम करती है, बच्चों को संभालती है, और शायद सबसे पहले जगती है घर में 4 बजे और सबसे बाद में 12 बजे सोती है वो। तो वो उसकी लीला परंपरा है, वो अपने हिसाब से काम में करती है और पूरा घर संभाल के रखती है। नारी तू तेरी लीला परंपरा है, नारी तेरे किन किन रूपों का करूं बखान, नारी तेरे किन किन रूपों का करूं बखान, तू हर रूप में ढलने वाली एक सांचा है, तू हर रूप में महान है, नारी तू कभी रुकती नहीं, नारी तू कभी थकती नहीं, नारी तू कभी हार मानती नहीं, नारी तू सहनशीलता का प्रमाण है, नारी तू सहनशीलता का प्रमाण है, नारी तू घर को धन धान्य प्रदान करने वाली है, नारी तू घर को धन धान्य प्रदान करने वाली है, नारी तू घर को खुशियों से भरने वाली है, नारी तू हर घर का मान है सम्मान है, नारी तू हर घर का अभिमान है, नारी तेरे जिस घर में नहीं है पदचिन्ह, नारी तेरे जिस घर में नहीं है पदचिन्ह, नारी तेरे हाथों के जिस दरवाजे के कोरों पर नहीं छपे हैं हल्दी मेहंदी वाले हाथ, नारी तेरे हाथों के जिस दरवाजे के कोरों पर नहीं छपे हैं हल्दी मेहंदी वाले हाथ, नारी जिस आंगन में नहीं है तेरी पायलों की छमछम का स्वर, नारी जिस आंगन में नहीं है तेरी पायलों की स्वर छमछम का स्वर, नारी जिस आंगन में नहीं है तेरी चूड़ियों की खनखन का मीठा राग, नारी नहीं है तेरी चूड़ियों की खनखन का मीठा राग, नारी वो घर नहीं एक उजड़ा वीरान है, नारी वो घर नहीं एक उजड़ा वीरान है, नारी तू वो शक्ति है जो समस्त रिश्तों को एक ही सूत्र में प्रो कर रखती है, नारी
तू वो शक्ति है जो समस्त रिश्तों को एक ही सूत्र में पिरो कर रखती है। नारी तू गुणों की खान है, नारी तू जीवन की अंधेरी रातों का एक चमकता जुगनू है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी छोटी बहन भी जुड़ी है अर्चना, तो अर्चन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए। और अब मैं अभी मुझे देवेंद्र सर का भी वैसे कोई इशारा या और जैसे कि हमसे उमा मैडम मुझसे जुड़ी हैं, तो सच में वो नवांकुरों के लिए एक प्रेरणास्पद हैं, हम हमारे लिए और मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। और मैं आगे बस और उमा मैडम ने जो सच में ही जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं और वो मुझे आज ही नहीं वो जीवन पर्यंत काम आने वाली हैं, और अभी मैं उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो उनसे मैं जुड़े रहना चाहती हूँ आखिरी सांस तक, क्योंकि वो है ही बहुत, उन्होंने मेरे लिए किया है। और अभी कोरोना का ये भी है, कोरोना में जो हमारा साल बीता है ये तो आप हम सब कोई अछूता नहीं रहा इससे, तो कोरोना में तो सबकी हालत खस्ता कर दी। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी इस वक्त गांव में होने के कारण मैं सोचती हूँ कि बच्चे मेरे गांव से जुड़े रहें, क्योंकि कोरोना ने सच में सिखाया है हमें कि गांव और शहर दोनों में जीवन का तालमेल बैठाना विशेष आवश्यक है। क्योंकि बिना गांव के बिना शहर के, ऐसा नहीं है कि कुछ गांव में नहीं है और कुछ शहर में नहीं है, या कुछ गांव कि शहर में बहुत ज़्यादा है और गांव में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों में बच्चों को खुद को हमें ढाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना ने सिखाया है कि जब हम कोरोना में जब कोरोना बीमारी फैली तो हम सब लोग अपने बुजुर्गों के घर, अपने बुजुर्गों की ज़मीन और अपने बुजुर्गों की बाहों में ही भागे थे। लेकिन अब इसलिए हमें कभी बड़े बुजुर्गों की ज़मीन भी नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि वो आखिरी वक्त में वही काम आती है। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि बच्चों को भी वही शिक्षा दें, क्योंकि लड़के लड़का से भी प्रश्न करें और लड़की से भी प्रश्न करें। ऐसा नहीं है कि लड़का कोई बहुत बुरी चीज़ है, नहीं उसको तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड़के से भी आप प्रश्न कीजिए और लड़की से भी प्रश्न कीजिए, दोनों को बराबर रखिए, तो समाज में शायद बहुत सारे जो जो जुल्म जो हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। क्योंकि हमें रात को लड़का आया नहीं आया हम लोग पूछते ही नहीं है कि वो क्या करके आया, हो सकता है वो कुछ गलत ही करके आया हो, तो कम से कम उसको पूछना चाहिए, उसको भय होना चाहिए कि मुझे, मैं लड़का हूँ लेकिन मुझे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए माँ दुर्गा और नारी और होती है माँ, माँ भी माँ का सम्मान भी वही है। और देखिए अब स्त्री, आज अब मैं इस केवल स्त्री के ऊपर इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि नवरात्राएँ चल रहे हैं और स्त्री की चर्चा होना जरूरी है। तो देखिए स्त्री कुछ नहीं चाहती है, स्त्री जीवन में अपना मान सम्मान चाहती है, उसे नहीं चाहिए बहुत सारी, ऐसा नहीं कि उसको कुछ बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए, नहीं, उसको अपने सबसे पहले जीवन में मान सम्मान चाहिए। तो देखिए वो एक स्त्री क्या चाहती है और क्या, मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ। तुम आओ जब तो लाना मेरे लिए, तुम आओ जब तो लाना मेरे लिए अटूट विश्वास, अपनी गोद में अनंत प्रेम, कुछ खुशियों के बीज जो मैं घर में बो सकूं, लाना कुछ खुशियों के बीज जो मैं घर में बो सकूं, लाना दो चार मीठे बोल जो तुम मुझसे बोल सको, लाना तुम अपनी बंद मुट्ठी में थोड़े से जुगनू, लाना तुम अपनी बंद मुट्ठी में थोड़े से जुगनू, जिनकी झिलमिलाहट से रोशन कर सकूं मैं ये घर, लाना तुम अपनी आँखों में मधुर भरी चाहत कि घर का कोना कोना तुमसे लिपटने को आए, लाना ऐसी कोई रवर, देखिए स्त्री क्या चाहती है, लाना ऐसी कोई रवर जो हमारे बीच खिंची हर दीवार मिटा सके, लाना तुम रसीली मिठाइयाँ दिनों से फीकी पड़ी जुबान को मैं मीठा कर सकूं, उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें ही नहीं होती हैं। और पहले से ही लड़की को सिखाया जाता है कि काम सीखो, ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखो, ज़्यादा चीज़ें मत सोचो, घर का काम सीखो ये वो, तो बस वो क्या इतना ही सोच पाती है कि इतना ही कह रही है कि लाना तुम जिन जो हमारे बीच खिसी हर दीवार मिटा सके, लाना तुम रसीली मिठाइयाँ दिनों से फीकी पड़ी जुबान को मैं मीठा कर सकूं, चुनकर लाना लाल गुलाब के लाल गुलाबी फूल, चुनकर लाना
गुलाब के लाल गुलाबी फूल जिनको मैं सजा सकूं अपने जूड़े में, लाना खनकती सतरंगी चूड़ियां, लाना खनकती सतरंगी चूड़ियां, नैनों में भरने वाला काला सुरमा, होठों की लाली कुमकुम जिससे आधा चांद बना सकूं मैं अपने माथे पर, कानों की झुमकी बजनी पायल जिनकी छमछम से मैं पूरे घर में नई ऊर्जा प्रसारित कर सकूं, और लाना लाल रंग की साड़ी जिसे मैं करवा चौथ पर पहन सकूं, लाना लाल रंग की साड़ी जिसे मैं करवा चौथ पर पहन सकूं, और इन सब के साथ लाना अपने हृदय में मेरे लिए स्थान। देखिए कि स्त्री क्या चाहती है, सिर्फ अपने पति के, अपने घर में मान सम्मान, अपने पति के हृदय में स्थान। ये नहीं कि आज देखिए कुछ भी है, लेकिन स्त्री से पूछो कि वो कहाँ क्या चाहती है, वो उससे आप बातें करो बैठ के, तो देखिए उसके अंदर कितनी खुशियाँ कितने गम भरे होते हैं, उसको उसके नारी के हृदय को अथाह सागर, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि नारी का हृदय जो है अथाह सागर है, उसकी था नापना मुश्किल है। तो बस वही मैं आज स्त्री के लिए, इसीलिए कि माँ दुर्गा के जो जिन माँ दुर्गा की भक्ति में जो लीन है, वो साथ में ही अपने घर की महिलाएं, अपने समाज, अपने अड़ोस पड़ोस की जो लड़की या महिलाएं हैं या कन्याएं हैं, उनको उनको उसी मतलब उसी उतना ही सम्मान दें जितना माँ दुर्गा को जितना आप सम्मान देते हैं ना। क्योंकि जो रोज़ रोज़ की जो घटनाएँ हो रही हैं वो बड़ा ही दुख प्रदत्त करने वाली हैं। तो मैं और आगे बढ़ती हूँ, और एक मेरे जो पति देव हैं, मैंने जैसा कि चर्चा पहले की थी कि उनका सपोर्ट रहता है, तो मैं उनके लिए कभी कभी कविताएं लिखती हूँ, और उनका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहता है कि वो मतलब सारी चीज़ें छोड़ के पहले मेरी चीज़ें सुनते हैं। और तो मैं उनके लिए एक कविता आपके सामने पढ़ती हूँ जो मैंने लिखी थी, खत मिले थे तुम मुझे एक खत में एक दिन, मिले थे तुम मुझे एक दिन खत में, मिले थे तुम मुझे एक दिन खत में, पूछे थे तुमने मेरे हाल एक दिन खत में, पूछे थे तुमने एक दिन मेरे हाल एक दिन खत में, और लिखे थे तुमने अपने हाल एक दिन खत में, आंखें भरी थी मेरी, आंखें भरी थी अशकों से एक दिन मेरी, आंखें भरी थी अशकों से एक दिन मेरी, पहुँचे थे तुमने मेरे आंसू अपने खत में, पढ़ ली थी मेरी सूरत, महसूस कर लिया था मेरी रूह का स्पर्श, पढ़ ली थी मेरी सूरत, महसूस कर लिया था मेरी रूह का स्पर्श, जान लिए थे मेरे हृदय के कोने में गड़े रहस्य एक खत में, जान लिए थे मेरे हृदय के कोने में गड़े रहस्य एक खत में, छू ली थी मेरी उतरती चढ़ती सांसों की सिरहन, छू ली थी मेरी उतरती चढ़ती सांसों की सिरहन, और पी लिए थे मेरे होठों के कुछ लफ्ज़, और पी लिए थे मेरे होठों के कुछ लफ्ज़ एक दिन एक खत में, वो तुम्हारा प्यार ही तो था जो तुम मुझसे बिना, जो तुम मुझे बिना देखे समझ जाते थे, वो तुम्हारा प्यार ही तो था जो तुम मुझे बिना देखे समझ जाते थे, मेरी हर बात मेरा हर राज, मेरी हर खुशी मेरा हर, मेरी हर तकलीफ तुम सिर्फ एक खत में। तो मेरा मेरे ये पर्पज़ इस कविता को लिखने का ये था कि जो खत वाला प्यार है वो अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो किसी ने ले लिया उसको, कोई खा गया उसको, पता नहीं लोगों में जिस्मानी प्यार तो बढ़ गया, लेकिन जो जो बिना जिस्म का जो प्यार था, जो हृदयों का जो प्यार था, वो ख़त्म सा होता जा रहा है। लोग पहले अपनी जो पत्नी है उसका दुख दर्द सब कुछ समझ लेते थे, वो क्या चाहती है उसका, मतलब जो भी उसके मन में होता था वो जान लेते थे, जबकि वो खत में भावनाओं को पहचान लेते थे। लेकिन अब वीडियो कॉल है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रेम को सत्यता के आधार पे बनाए, सत्यता में एक दूसरे को प्रेम करें चाहें, क्योंकि खत के लिए, खत में तो ठीक है, अब जैसा जमाना चलता है वैसा ही हमें अब आगे बढ़ना पड़ता है, और उसके अनुरूप हमें वो चेंज भी होना पड़ता है जीवन में। तो चलिए जो खत वाला जो अपना डाकिया वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जो फ़ोन में जो हम वीडियो कॉल भी करते हैं तो लोग इतने पता नहीं किस चीज़ में घुल गए हैं, किस चीज़ में मिल गए हैं कि अब एक दूसरे की भावनाओं को देखकर भी वो लोग नहीं चाहते थे, अब सामने आमने सामने जब फ़ोटो भी होते हैं तो अभी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बस
कभी मेरी एक कहानी संग्रह जो आने वाला है नूरी, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी कि मैंने नूरी को क्यों लिखा है और नूरी जो कहानी संग्रह लिखा गया था वो कैसे लिखा था मैंने। देखिए, हम जब समाज, जब मैं जन्मी हूँ मैंने तभी से ही स्त्रियों को देखा है, उनकी दुर्दशा, उनकी अच्छाई बुराई सबको देखा था, तो मेरे मन में बसती चली गई चीज़ें, क्योंकि लिखना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। तो वो बसते ठीक है, मैं लिख नहीं पाई इतनी जल्दी, लेकिन वो मेरे मन में सब भरा था कि स्त्रियों का क्या हाल है, क्योंकि जो पीढ़ी बढ़ रही थी, जो जैसे लड़कों का, जैसे जो लड़का है घर का वो अपने पिता को, अपने दादा को, अपनी माँ के लिए, अपनी दादी के लिए गालियाँ मारते पीटते देखता था, तो वो भी आगे ऐसा ही करता था। लेकिन अब इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है, और वो जो भावनाएं मेरे अंदर दबी हुई थी वो मैंने नूरी के माध्यम से उसमें व्यक्त किया है। और उसमें मैंने जो नूरी जो कहानी लिखी है, अधिकतर जो कहानियाँ हैं वो मेरी समाज की सचमुच में देखी जो कहानियों के आईने हैं उन्हीं को ही मैंने देख के अपने हिसाब से अपने कलाकृति में, जैसे भी मुझसे, जो अभी मैं इतना कुछ लिखना जानती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने इसको लिखा है वो उन्हीं को अपने समक्ष रख कर लिखा है। तो और उसमें अभी अक्टूबर में आ जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी। और नूरी के मैंने स्त्रियों के स्त्री परख ही लिखा है उसको, क्योंकि स्त्रियों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शहरों में चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी गांव में थोड़ा स्थिति है और मुझे गांव में आना रहना अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ चीज़ें जानना चाहती हूँ और जानती भी हूँ, तो मैं और भी जानना चाहती हूँ कि अभी गांव में क्या बदलाव हुए हैं। और मैं एक्चुअली अपने बच्चों को भी गाँव की संस्कृति, अपने बड़े बुजुर्गों के संस्कारों को बताना चाहती हूँ, अपनी मूल भाषा, अपनी मूल संस्कृति क्या है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है, जो हमारी गाँव की जो हमारी मूल भाषा है, जो लोकल भाषा है, उसको भी सीखें, अंग्रेजी भी, क्योंकि मेरे बच्चे गांव की हर चीज़ को देखें, वो गांव के हर खेतों की सुगंध को सूंघें। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर के बन के रह जाएं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूं, और इसलिए मैं यहां गांव में आती हूं और मुझे अच्छा लगता है। और बस यही मैंने, क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जा सकती, और वो तोलना भी कहीं किसी भी लेवल पे सही नहीं है। तो हमें और यही है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, ताकि जो समाज में जो इतने जुर्म हैं वो ना बढ़ें, और अपना समाज है जो साफ़ और स्वच्छ रहे, और उसमें हमेशा सब लोग हंसते खिलते एक गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूलों की तरह सब लोग खिलते हंसते रहें। बस यही है, और मैं अपनी आगे कविता और रखती हूँ। मैं आगे अपनी कविता पढ़ना चाहूँगी, बचपन। देखिए, हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बचपन भी खो गया है। बच्चों को जो खेल होते थे पहले, जो भी हम लुका छुपी और भागा भागम, ये सब जो हम लोग लंगड़ी टांग खेलते थे, अब वो चीज़ें एक तरफ गुम सी हो गई हैं। अब तो मैं जैसा कि अपनी कविता बचपन पर चर्चा कर रही थी, और तू अब कहाँ चला गया बचपन, तू अब कहाँ चला गया बचपन, तू अब कहाँ गुम हो गया बचपन, तू अब कहाँ चला गया बचपन, तू अब कहाँ गुम हो गया बचपन। मैं ढूंढती हूँ तुझे सुबह शाम, मैं ढूंढती हूँ तुझे सुबह शाम, मैदानों में, गलियों में, छतों पर, आंगन में, मैदानों में, गलियों में, छतों पर, आंगन में। मैं सुनना चाहती हूँ तेरा शोरगुल, हो हल्ला, पर तू मुझे कहीं सुनाई नहीं देता। तू अब कहाँ चला गया बचपन, तू अब कहाँ गुम हो गया बचपन। मैं तुझे ढूंढ रही हूँ गिल्ली डंडे, कंचे, खो खो, कबड्डी, लुका छिपी के खेल में, मैं तुझे ढूंढ रही हूँ गिल्ली डंडे, कंचे, खो खो, कबड्डी, लुका छिपी के खेल में, पर तू मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। अब तू कहाँ गुम हो गया बचपन, वीडियो गेम में, फोन की स्क्रीन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तू खो गया है इलेक्ट्रॉनिक की आभासी दुनिया में। तू उससे बाहर निकल और बचपन को जी, उसके साथ खेल, ये बचपन फिर नहीं मिलना है, ये बचपन दोबारा नहीं आना है। बचपन से प्यार करें, अपने बचपन को समय दें, क्योंकि ये जो बचपन जब बीत जाएगा ना, आप देखना इतनी टेंशनों में घुसते चले जाओगे कि पता नहीं जीवन हो गया क्या हो गया।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी जो बच्चे हैं वो अपना जीवन जिएं इन इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में, वीडियो गेम और इनमें अपना जीवन, अपने बचपन को ना खोएं, क्योंकि देखें दौड़ें भागें कि कितना शरीर अपना स्वस्थ रहता है, माइंड कितना फ्रेश रहता है। तो अपना जीवन, अपना जो बचपन है वो आवासीय जो इलेक्ट्रॉनिक जो दुनिया है उसमें ना खोएं, और अपना जीवन थोड़ा जो हमारे जो पर जो पुराने समय से जो हमारे खेल चलते आ रहे हैं उनको समय दें, क्योंकि बचपन बीत गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो वैसे भी नहीं खेलते। अब हम लोग कितना खेलते हैं, नहीं खेलते। अब हम लोग फंस गए, ये भी करना है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। और मैं वही कोरोना के लिए भी यही है कि कोरोना हुआ है कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोरोना ने कुछ बहुत कुछ सिखाया भी है जीवन में, बहुत कुछ सिखाया है जीवन के लिए, कि जीवन में हर चीज़ को ठान के मत चलो कि नहीं मुझे अब मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, अरे मैं तो अब आलू के पराठे खाए बिना रह ही नहीं सकता, अरे मैं तो ये किए बिना रह ही नहीं सकता। नहीं, जैसी परिस्थिति है हमें वैसा ही ढलना है, वैसे ही परिस्थितियों को अपने जीवन में अपनाना है। तो कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, क्योंकि जो लोग शहर में जो बहुत रहना चाहते थे, गाँव की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहते थे, वही लोग सबसे पहले जुड़े रहना, और अपने बच्चों को भी जोड़े रखना है, और उनमें उनके संस्कारों को भी पनपाना है। तो मैं अपनी अगली कविता के लिए आगे बढ़ती हूँ। देखिए, माँ जो है, माँ को सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो माँ का है, क्योंकि अगर वो चाहे, अगर वो ही अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा करती है, वो ही लड़ती है अपने बच्चों के लिए कि नहीं इसको ये करना है, ये नहीं करना चाहिए, ये वो ही सबसे ज़्यादा रास्ता दिखाती है। और जब हमारी माँ इतने दुख तपों के बाद जब हमें बड़ा करती है, तो उनका हर चीज़, हर कामयाबी, हर जगह पर उनका धन्यवाद तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने भी एक माँ के लिए एक कविता लिखी थी, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये सब कहते हैं मेरी माँ के हाथ सुंदर नहीं हैं, सब कहते हैं मेरी माँ के हाथ सुंदर नहीं हैं, ऊबड़ खाबड़ से खुरदरे और ठठार पड़े हैं, ऊबड़ खाबड़ से खुरदरे और ठठार पड़े हैं, उनके हाथों में कोई कोमलता नहीं है, वो बहुत सख्त हैं, उनके हाथों में कोई कोमलता नहीं है, वो बहुत सख्त हैं, पर मुझे मेरी माँ के हाथ दुनिया के सबसे सुंदर हाथ लगते हैं, पर मुझे मेरी माँ के हाथ दुनिया के सबसे सुंदर हाथ लगते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उन हाथों को, क्योंकि मैंने देखा है उन हाथों को चूल्हे की जलती आग में तपते हुए, शरीर को निचोड़ देने वाली चिलचिलाती धूप में खेतों में दराती चलाते हुए, मैंने देखा है उन हाथों को कड़कड़ाती जमा देने वाली सर्द रात में ढेरों बर्तन मांजते हुए, मैंने देखा है उन हाथों को मेरे लिए अपने सपने, अपनी ज़रूरतों से पीछे हटते हुए। मेरी माँ ने कभी अपने हाथों को सजाया संवारा नहीं, मेरी माँ ने कभी अपने हाथों को सजाया संवारा नहीं, उनकी तरफ कभी देखा तक नहीं, वो बस लगी रहीं उन हाथों से मेरे जीवन को सजाने संवारने में। मैंने देखा है उन हाथों के निस्वार्थ प्रेम को, उनके कठोर परिश्रम और तपस्या को। सचमुच मेरी माँ के हाथ दुनिया के सबसे सुंदर हाथ लगते हैं, क्योंकि जब वो जगती हैं सर्द रातों में तो हाथ कठोर हो जाते हैं, और मुझे वो सुंदर हाथ, वो उनके हाथ वो सबसे सुंदर हाथ लगते हैं। और मैं अपनी एक और कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो हमारे जो गांव का घर है उसके सामने एक कुआ है, जहाँ मैंने उन चीज़ों को देखा है, औरतों को देखा है, तो मुझे, मैंने उनको देख के कविता लिखी है कि गांव में अभी तो लोग, अभी तो वो कुएं पर कोई काम भी नहीं चलता है, अभी तो उसमें पानी नहीं है, लेकिन जो पहले जब मैंने देखा था तो मैंने एक कविता लिखी थी कि वो कुएं नहीं थे, वो कुएं तो थे, लेकिन वो औरतें जब पानी भरने आती थी तो बेचारी वो कितनी, मैं उनको यही उनको देखती रहती थी कि वो पानी भरते भरते क्या अपने, कोई अपने सास के बारे में, कोई अपने पियर वालों के बारे में कुछ अच्छा कह रही है, कोई कुछ, तो मुझे उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। और इतने रंग बिरंगी साड़ियों में, लुगड़ियों में और इनमें आती थी कुओं पर, तो बिल्कुल रंग बिरंगी चिड़िया जैसे रहती हैं, उनके जैसी सब लगती हैं कुएं पर पानी खींचते हुए। तो मैंने उनके ऊपर लिखा था कि वो, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ मेरी कविता। वो गाँव के कुएं नहीं थे,
वो सिर्फ मतलब मेरा मतलब ये है कि वो गांव के सिर्फ कुएं ही नहीं थे, वो कुएं तो थे लेकिन कुएं नहीं थे वो, देखो लोगों की औरतों की उनमें कितनी भावनाएं जुड़ी हुई थी कि कुएं से कुएं तक वो हंसी ठिठोले, कुएं से कुएं तक वो हंसी ठिठोले, कुएं से कुएं तक वो नज़ारे, कुएं से कुएं तक वो हलचल, कुएं से कुएं तक वो कोलाहल। वो गांव के कुएं नहीं थे, सुख दुख बांटने के ठिकाने थे। वो गांव के कुएं नहीं थे, सुख दुख बांटने के ठिकाने थे। कलसी का कुएं में गम से गिरना, छपाक से पानी की आवाज़ आना, कलसी का कुएं में गम से गिरना, छपाक से पानी की आवाज़ आना, कुएं पर उतरते चढ़ते पायलों का बजना। आप देखिए जब औरतें चलती हैं तो सबकी चाल अलग अलग होती है, तो जय भले ही वो पायल ए सेम डिज़ाइन का उन्होंने पहन रखा था लेकिन वो औरतों के चलने की वजह से उन पायलों की जो छमछम थी उसकी जो स्वर होता था उससे पता लग जाता था कि ये अलग अलग औरतें हैं, ये कैसे चल, मतलब उनका देखने का ही नजर, मतलब देखने में इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। उतरते चढ़ते अनेकों पायलों की छमछम बजती रहती थी, वो कोई उतर रही है, कोई चढ़ रही है, चूड़ियाँ बज रही हैं, पानी खींच रही है, कोई भर रही है, कोई अपने बर्तन धो रही है, कुएं पर अपनी कलसी धो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो कलसी का कुएं में छपाक से पानी की आवाज़ आना, कुएं पर उतरते चढ़ते पायलों का बजना, दांतों के बीच दबाए पल्लू से मन गुन की बतियाना। हाँ बस पानी खींचते हुए उनके मुंह में पल्लू दबा रहता था और बस वो मन गुन की बतियाती थी कि कौन क्या कर रहा है, गांव में क्या चल रहा है, सास क्या कह रही है या गांव में किस तरह की बातें हैं। तो कुएं पर उतरते चढ़ते पायलों का बजना, दांतों के बीच दबाए पल्लू से मन गुन की बतियाना। वो गांव के कुएं नहीं थे, हंसकर जिंदगी गुजारने के तराने थे। लाल हरी रंग बिरंगी चूड़ियों की खनकन, रस्सियों की सर सर से कुओं का घिरना, अनेक रिवाजों अनेक धर्मों का संग पानी भरना। वो कुएं नहीं थे, वो गांव के कुएं नहीं थे, सुख दुख। नूरी जो कहानी का जो कहानी संग्रह लिखा है वो भी मैंने ऐसे ही लिखा है कि मैंने सच्ची घटनाओं को लेके फिर उनको रचा है। तो आगे और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अपनी कविताओं के साथ और आगे बढ़ती हूँ। देखिए अब कोरोना का जी, पवन शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए जी। एक्चुअली क्या है, मैं गांव में हूँ इस वक्त, जयपुर में नहीं हूँ, तो थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, थोड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो पर चलो कोई बात नहीं है, आगे मैं बढ़ती हूँ अपनी कविताएं। और मैं फिर से अपनी एक कविता जो स्त्री के ऊपर ही है, और मैंने इस बार सबसे ज़्यादा स्त्री के ऊपर ही चर्चा की है कि नवरात्राएं चल रहे हैं और हमें स्त्री के मान सम्मान, अब बढ़ती घटनाओं को रोकना है, अपने समाज को सुधारना है और लड़कियों को उतना ही सम्मान देना है जितना हम लड़कों को देते हैं। और आप यकीन मानिए, मैंने जहाँ लड़की मेरे ससुराल में मेरे गांव में जहाँ लोग लड़कियों को लड़कों को मैंने मांगते हुए देखा था, तो मैंने वहाँ जाके लड़की को मांगा था और लड़की से मेरे जब गुड़िया हुई है और मुझे भगवान ने ये देवी दी है, तो सच में इतने शुभ पैरों की ये देवी आई है मेरे घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सकती, मैं इसके इसके चरणों के लिए मैं निःशब्द हूँ क्योंकि इसने मेरे सारे दुख दूर अपने दूर कर दिए। और हम लोग इतना खुश होते रहते हैं कि ईश्वर ने लड़की दी है और उसको मांगा है हम लोगों ने, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी को लड़के नहीं है। अब लोगों का सोच इतना निकृष्ट हो गया कुछ चीज़ों में तो, कि ये थोड़ा शब्द थोड़ा कटु हो गया लेकिन थोड़ा बोलना पड़ता है कि लोग पता नहीं लड़कों में ऐसा क्या है जो लड़कियों में नहीं है। लड़के अगर लड़का नहीं है तो पता नहीं वो बेचारी औरत जीवन भर दुखी रहती है, वो मरते दम तक भी यही सोचती है कि काश मुझे एक लड़का होता तो मेरी जमीन जायदाद का कोई बारिश होता, ये होता बा। और वो लड़का क्या करेगा जो जो सब सब जग जब जगह जो जमीन है अपनी उसको बेच के, तो बेच के और फिर अपना इधर उधर कर देती चीज। ऐसा नहीं कि लड़के बुरे हैं गलत कुछ हैं, लड़कों से भी दुनिया चल रही है, तो वो तो दोनों का औरत ना आदमी का दोनों का सम्मान जरूरी है क्योंकि दोनों से मिलके दुनिया चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो ये फर्क है वो औरतों ने ही कर रखा है।
औरतों ने ही इसको सबसे ज़्यादा माना हुआ है कि लड़का नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसको लड़की लड़की हो गई तो उसको सुनना ही पड़ेगा कि अरे तेरे तो लड़की हो गई, ये पता नहीं क्या सोच कर रखी है। अगर किसी औरत को लड़की हो गई तो सबसे पहले कोसने वाली एक औरत ही होती है, तो हमें सबसे पहले तो औरतों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ये नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना पुराना और सबसे पुराना ही मुद्दा है, सदियों से पुराना, लेकिन इस पर नज़र नहीं जाती लोगों की। ये कहते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन ज़्यादा है, तो वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत कम आदमी कहते हैं कि अरे लड़की हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाएँ हल्ला मचाती हैं, अरे इसको लड़की हो गई, लड़की हो गई, लड़की हो गई, अरे लड़की हो गई तो क्या हो गया, और लड़का नहीं होगा तो क्या नहीं हो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर ईश्वर ने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है, तो हमें मान्य होना चाहिए। और तो सबसे पहले उसको उसका मुंह जो अशुभ देखना पसंद करती है वो औरत ही होती है। अरे ये तो विधवा है, इसका मुंह सुबह सुबह कौन देखेगा, क्योंकि और उनको ये भी पता है कि ये घटना जो इसके साथ हुई है वो कभी भी हमारे साथ भी हो सकती है। तो हमें औरत को भी औरत की मान सम्मान और सबका ध्यान ही रखना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और आदमियों को ही सारी दोष मर दिए जाएं उसके सिर पे, ऐसा भी नहीं है, कुछ दोष ऐसे भी हैं जो हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। अब किसी औरत का पति कहीं गया हुआ है तो पीछे से सबसे ज़्यादा औरतें उसका ये करती रहती हैं, उसको परेशान करती रहती हैं, तो हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, औरतों को भी सोचनी पड़ेंगी। आदमियों के लिए तो है ही, क्योंकि आदमियों का तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि अभी जो जितनी भी जो हृदय विदारक जो कन्याओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो तो सच में ही मतलब उनके लिए तो निःशब्द है, हम लोग कुछ स्तब्ध है एक तरीके से, क्या कहें, दिल हृदय रो उठता है। तो लेकिन अब कुछ घटनाएं ये भी हैं कि हमें समाज में खुद ही को हमको भी सबसे पहले औरतों को समझनी होंगी और उनको सुधारना होगा, तभी हमारे समाज को। कहते हैं ना कि जैसे लड़की घर की महिलाएं घर को आगे अच्छा करती हैं बुरा करती हैं, जो भी महिलाएं लेके जाती हैं, तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं ये तो लड़की है तो इसका उसको कुछ भी बोलें, तो हमें सबसे पहले उनको अपने विचारों को बदलना होगा। और मुझे लगता है कि मुझे जन सरोकार मंच से इतना ही वक्त मिला था और शायद ज़्यादा ही टाइम वक्त हो गया है, तो मैं अपना कार्यक्रम समाप्त कर रही हूँ। और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझसे त्रुटि हुई होगी हुई हो तो उसके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ। और मैं इस वक्त गांव में थी तो मेरी देवेंद्र सर से जब बात हुई तो मैं उनको कुछ ज़्यादा कह नहीं पाई, मना नहीं कर पाई, और थोड़ा रहता ही है, आपको पता ही है दिक्कत हो रहती है गांव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कोई बात नहीं है। और मैं फिर से पुनः मेरे जन सरोकार मंच का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मंच पर मुझे अपनी कविताएं अपने विचार रखने का प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। और जो लोग जितने भी मुझसे जुड़े हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे भी यही आशा करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद आप सबका साथ मेरे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।